We are going to understand the prototype function, array prototype, like the filter function, how we can create the prototype of this filter. Okay, so चलिए देखते हैं. So filter function कैसे काम करता है, normally मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे मेरे पास एक variable है array, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5. अब मेरे को इसमें इवन ऑड इज फाउंड फाइंड करना है, ठीक है. तो कैसे करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एयर डॉट फिल्टर, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक कॉल बैक बनाया, ठीक है. ये कॉल बैक रहता है, इसके अंदर हमें क्या करना है, वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसको प्रिंट कर दो. इस तरीके से फिल्टर यूज़ करते हैं हम, और इसको रन कर लेते हैं एक बार. सो हो गया हमारा ये नोड टेस्ट डॉट जेस, ठीक है. तो देखिए यहाँ पास रिजल्ट आ गया. अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे इंटरनली वर्क करता है, इसके जैसा ही फंक्शन हम खुद का बना सकते हैं, मतलब प्रोटोटाइप बना सकते हैं. तो वो कैसे करते हैं, तो लेट्स सी दिस. सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप, एरे डॉट प्रोटोटाइप, और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम देना है, जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो. लेट से कस्टम फिल्टर कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे बनाएंगे इस फंक्शन को हम. ये कॉल बैक रिसीव करता है, ये जो आप सेंड कर रहे हो, ठीक है. और सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट से फिल्टर एरे, ठीक है. वो क्या करेगा, ये कॉल बैक जितना भी ट्रू रिटर्न करेगा वो सबको इसमें पुश करेगा बस इसके लिए. उसके बाद फॉर लूप चलाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एरे है तो फॉर लूप चला रहा है इटरेट करने के लिए. लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन दिस डॉट लेंथ, ठीक है, दिस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस. आप लोग बोले कि ये दिस क्यों लिख दिया, दिस डॉट लेंथ क्यों लिख दिया, तो दिस डॉट लेंथ क्या करेगा, ये जो हम सेंड कर रहे हैं ये इसको रेफर कर रहा है. मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ पूरा टाइमिंग. अब मैंने यहाँ पे कर दिया, दिस को प्रिंट किया, ठीक है. तो आपको ये प्रिंट करके दिखाएगा, और इसको कॉल भी करना पड़ेगा हमें वो कस्टम फिल्टर को, ठीक है. अब देखिए आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये दिखा ना, ये देखिए ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है. और उसके बाद ये हो जाने के बाद हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे कॉल बैक चेक करना है, कॉल बैक ट्रू रिटर्न करना चाहिए. कॉल बैक कुछ नहीं है, एक फंक्शन टाइप का पैरामीटर हो गया इधर, ठीक है. इसमें सबसे पहले आपको एलिमेंट देना है, ठीक है, एलिमेंट दे दिया. उसके बाद आपको इंडेक्स वैल्यू देना है, उसके बाद पूरा एक का पूरा एरे देना है. अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ही हमें क्या करना है, फिल्टर एरे में डेटा को पुश करना है, फिल्टर एरे डॉट पुश. और किसको पुश करना है, तो एलिमेंट को. एलिमेंट कैसे आएगा, एरे का इंडेक्स है, ठीक है, हो गया. अब इसको आप रिटर्न कर दीजिए, जो एरे है आपका फिल्टर एरे. अच्छा हो गया हमारा काम. तो सी पहला वाला आपका ये प्रिंट हो रहा है पूरा का पूरा एरे, उसके बाद ये आपका इवन नंबर प्रिंट हो रहा है, ठीक है. और ये तो नॉर्मल हो गया. अगर आपके पास जेसन एरे रहता तो कैसे काम करता, तो वो भी सिमिलर केस में काम करेगा. लेट्स से हमारे पास कुछ एक यूज़र है, जिसका आईडी 1 है, एज 22 है, ठीक है, नेम लेट्स से एमके हो गया, ठीक है. ऐसे मेरे पास 3-4 यूज़र है, तो मैं इसको कॉपी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है. आईडी 2 हो गया, आईडी 3 हो गया, एज लेट्स से 12 हो गया, बीके हो गया, बीके हो गया, ये 42 हो गया, और ये ठीक. तो मेरे पास रिक्वायरमेंट ये आया है कि तुम प्रोटोटाइप बनाओ, कस्टम प्रोटोटाइप बनाओ फिल्टर का, और फिल्टर टाइप का, और वो क्या करेगा, जिसका भी एज ग्रेटर देन 15 आएगा वो सबको रिटर्न करेगा, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपको एज चेक करना है, ग्रेटर देन 15,
ये आपका पूरा का पूरा, मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ कन्फ्यूज़न ना। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए अभी केस में, एक ये आना चाहिए क्योंकि एज 22 है, ये एक ये आना चाहिए क्योंकि एज इसका 42 है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने किया तो सी हमारे पास 22 वाला आ रहा है, 42 वाला आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपना खुद का प्रोटोटाइप बना सकते हो फिल्टर फंक्शन का। ठीक है, बस एक क्या करना है आपको, एक कॉल बैक पास करना है, कॉल बैक को चेक करना है कि वो ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो उससे रिलेटेड जिस भी वेरिएबल में आपको स्टोर करना है उसमें डेटा स्टोर करिए, लास्ट में वो वेरिएबल को रिटर्न कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, इससे यही होता है कि मतलब आप कस्टम बना सकते हो अपना कुछ। फिल्टर फंक्शन क्या है, फिल्टर फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपको कुछ कस्टम एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।